हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फन बुलेटिन में। आज आप मेरे हाथ में देख सकते हो एक बाइक की बैटरी है जो मैंने इससे निकाली है। तो इस बैटरी में मैं इसका बैकअप लगभग 4-5 साल से ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा, काफ़ी लोग इनमें जो है खाने का सोडा डालते हैं और इसको साफ़ करते हैं और फिर करते हैं क्या है, इसको आपको चला के इसका बैकअप दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो खाने का सोडा है उससे क्या होता है, इसके अंदर जितना भी तेजाब है ना उसको वो न्यूट्रल कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। मतलब इस बैटरी के अंदर जो भी तेजाब था पहले उसको बिल्कुल न्यूट्रल ख़त्म कर देता है जो खाने का सोडा है, और इसके अंदर जो H2SO4 डलता है, इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद आप देख सकते हो क्या क्या उत्पाद बनता है, वो इस रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा। तो इसमें होता क्या है कि एक तो H2O बन जाता है जिसको हम पानी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बन के इसमें से बाहर निकल जाती है और जो पानी है वो उसके अंदर रह जाता है। एक चीज़ और बनती है, वो भी आप रिएक्शन में दिख रही है आपको। तो उससे क्या होता है कि इसके अंदर जो जहाँ पर भी तेजाब था वो तेजाब ख़त्म हो गया, अब बैटरी न्यूट्रल हो गई। अब दोबारा इसमें आपको तेजाब ही डालना पड़ेगा, जैसे आप इसमें तेजाब फिल कर लोगे तो वापस ये काम करने लग जाती है। लेकिन जो आपने खाने का सोडा डाला है उससे बैटरी बिल्कुल एक्यूरेट नई जैसी नहीं होती कभी भी, उससे बस इतना ही होता है कि जो पहले तेजाब था वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई थी, उसको न्यूट्रल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और अगर मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ, अगर आपने इसके अंदर खाने का सोडा डाला है तो डालने के बाद आपको बैटरी को बिल्कुल साफ़ करना पड़ेगा। अगर आप साफ़ नहीं करोगे, इसको ऐसे ही वापस लगा दोगे तेजाब डाल के और आप बाइक जैसे चलाओगे तो वो बाइक में बैटरी हिलेगी थोड़ी बहुत, तो जब बैटरी हिलेगी ना तो हिलने के बाद जो जहाँ पर भी जो वो खाने का सोडा लगा हुआ है उसके साथ उसकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद में ना इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ये बैटरी आपकी फट जाएगी। तो इससे मेरी आपकी रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बिल्कुल क्लीन करके फिर आप उसको अपने बाइक में फिट करें, वरना फिट ना करें क्योंकि फिर नुकसान आपको ही हो जाएगा और बैटरी के लेने के देने पड़ जाएंगे, आपको बैटरी नहीं लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।